नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सातवीं कक्षा का अध्याय रेशों से वस्त्र के दूसरे भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के भाग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में समझेंगे। उसके बाद रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद रेशम कीट पालन कैसे किया जाता है इसको समझेंगे और अंत में रेशम का संसाधन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं रेशम के बारे में। दोस्तों, रेशम एक अन्य प्रकार का जांतव रेशा है जिसे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों यानी कि एक प्रकार का कीड़ा को पाला जाता है। इस प्रक्रिया को रेशम कीट पालन यानी कि सेरिकल्चर कहते हैं। कीटों से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं इसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि रेशम कीट के जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल के बारे में जानना जरूरी होगा। इसलिए आइए हम जानते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म कहते हैं। दोस्तों, इस चक्र में क्या होता है कि मादा रेशम कीट अंडे देती है। अंडों से लार्वा निकलते हैं जिसे रेशम कीट यानी कि सिल्क वॉर्म या सूंडी, जिसे कि हम कैटरपिलर्स कहते हैं, वह सहतूत यानी कि मलबेरी की पत्तियां खाती है तथा आकार में बढ़ती है। सिल्क कीड़ा अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सर्वप्रथम सूंडी यानी कि कैटरपिलर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। इसके बाद वह अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है। सिर की इन गतियों के समय सिल्क कीड़ा पहले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो सूखकर कठोर हो जाता है और इस प्रकार रेशम का रेशा बन जाता है। आप चित्र में रेशम कीट का जीवन चक्र को देख के समझ सकते हैं। दोस्तों, रेशम के कीट भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वे एक दूसरे से काफी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र में सूंडी जल्द ही रेशम रेशों से अपने को पूरी तरह ढक लेता है। अब यह प्यूपा कहलाता है। यह ऊपर का आवरण यानी कि कोवरिन कोकून कहलाता है। कोकून को आप चित्र से देखकर समझें। कोकून के अंदर कीड़े का विकास होता है। इसी कोकून से रेशमी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रेशमी तंतुओं से रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं और रेशमी धागों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं। वे एक दूसरे से काफी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनके द्वारा उत्पन्न रेशम धागों की बनावट जैसे मोटाई, चिकनाहट आदि भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, एरी सिल्क आदि विभिन्न प्रकार के रेशम धागे बनते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर यानी कि मलबेरी कोमल, चमकदार और लचीले होते हैं। इन्हें सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। तो आइए हम विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों की जानकारी करते हैं। इससे पहले हम रेशम कीटों से रेशम कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में हम समझेंगे। रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना एक पेशा है। हमारे देश में व्यापारिक पैमाने पर अत्यधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को जमा करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार रेशम उत्पादन एक लंबी प्रक्रिया है जो निम्न चरणों में पूरी होती है। तो आइए हम सभी चरणों के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं।
सबसे पहले रेशम कीट पालन के बारे में जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कहते हैं। एक मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी पूर्वक कपड़ों की पट्टियों या गत्ता बक्सों या बांस के ट्रे में एकत्र करके रेशम कीट पालकों यानी कि किसान को बेच दिया जाता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद किसान अंडे के बॉक्स या ट्रे को स्वास्थ्यकर यानी कि हाइजीनिक उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में अंडा सेन की मशीन यानी कि इनक्यूबेटर में रखते हैं। यह मशीन विद्युत द्वारा गर्म किया जाता है और इन अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है। इस अंडों में से लार्वा बाहर निकलती है और रेशम शहतूत वृक्ष की ताजी पत्तियों पर रख दिया जाता है। यह शहतूत की पत्तियों को खा जाते हैं और आमाप में काफी बड़े हो जाते हैं। अब लार्वा को शहतूत की ताजी पत्तियों के साथ बॉक्स के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25-30 दिनों बाद लार्वा खाना बंद कर देता है। इसे पुआल या छोटी झाड़ियों पर रख दिया जाता है, जिस पर वह अपना कोकून बना सके। ये पुआल या झाड़ियों से चिपक जाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर कोकून काटते हैं। कोकून काटने के समय में रेशम लार्वा कीड़ा कोकून के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद यह शलभ में विकसित हो जाता है। इसके बाद हम रेशम का संसाधन के बारे में समझेंगे। रेशम रेशा प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप या भाप में गर्म रखा जाता है या पानी में उबाला जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा कोकूनों से रेशम तंतु अलग हो जाते हैं। ये तंतु इतने परिष्कृत एवं कोमल होते हैं कि इनको पकड़ना संभव नहीं होता है। अतः इनमें से अनेक तंतुओं को एक साथ घुमाकर धागा बनाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशमी धागों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेशम का रील बनाना यानी कि रीलिंग द सिल्क कहते हैं। ये मशीनें कोकूनों से रेशम के तंतुओं या धागों को खोल देती है। फिर रेशम के रेशों या फाइबरों की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं संश्लेषित एवं शुद्ध रेशम की पहचान के बारे में। आजकल बाजारों में कृत्रिम रेशम के वस्त्रों की भी बिक्री हो रही है। क्या हमें कृत्रिम एवं प्राकृतिक रेशम या शुद्ध रेशम में अंतर पता कर सकते हैं? तो आइए इसे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संश्लेषित रेशम एवं शुद्ध रेशम की पहचान सावधानी पूर्वक करना होगा। इसके लिए हमें प्राकृतिक रेशमी और कृत्रिम रेशम से बने वस्त्रों के टुकड़ों को चिमटा से पकड़कर मोमबत्ती की लौ में सावधानी पूर्वक जलाना होगा। अब हम देखेंगे कि कृत्रिम रेशम से बना वस्त्र का टुकड़ा शीघ्र ही जलने लगता है, वहीं शुद्ध रेशमी कपड़े के टुकड़ों को जलने में ज्यादा समय लगता है। तो इस क्रियाकलाप से हम संश्लेषित एवं शुद्ध रेशम की पहचान कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमारा राज्य झारखंड में रेशम का उत्पादन में क्या योगदान है। दोस्तों झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन होता है। रेशम के उत्पादन में झारखंड का देश में प्रमुख स्थान है। राज्य के धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, साहिबगंज आदि जिलों में तसर रेशम के प्रमुख उत्पादन केंद्र है। खरसावां जिले का कुचाई सिल्क एक उत्तम प्रकार का रेशम है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी जान लीजिए कि रेशमी और ऊनी कपड़ों से बने वस्त्रों के टुकड़ों को प्रकाश के सामने देख सकते हैं। आप देखेंगे कि रेशमी वस्त्र चमकदार होते हैं
जबकि ऊनी वस्त्र चमकदार नहीं होते हैं। आप इन्हें भी जान लीजिए कि भारत में रेशम उत्पादन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीटों के पालन, कोकुनों में से रेशम को निकालने एवं रेशमी वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकांश महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। वे अपने इस उद्योग कार्य द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर आता है। भारत का स्थान दूसरे प्रमुख रेशम उत्पादकों देशों में किया जाता है। तो इस तरह से भारत में हर प्रजाति के रेशम का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में समझा। उसके बाद रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में भी समझा। इसके बाद रेशम कीट पालन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। और अंत में हमने ये जाना कि रेशम का संसाधन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को लेकर आएंगे। तब तक आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए JCERT की सातवीं कक्षा की विज्ञान पुस्तक से अध्याय रेशों से वस्त्र से पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद।